next. Your vision, your voice. नमस्कार एनएक्स प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी और हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज की स्टूडेंट्स मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। आप सब अपना अपना परिचय खुद देंगे, सबसे पहले आप। हाय, मेरा नाम है नेहा रस्तोगी और मैं बीए प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। एंड मेरी हॉबी है आर्ट एंड क्राफ्ट और इसके अलावा मुझे एक्टिंग करना पसंद है। एक्टिंग, वाओ, थिएटर करती हैं आप? नहीं, पर मैं जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ, मैंने सोच रखा है। आप अपना परिचय दीजिए। हाय, मेरा नाम गौरी मेहरा है और मैं बीकॉम प्रोग्राम कर रही हूँ। मेरी हॉबीज बेसिकली डांसिंग है मेन हॉबी बिकॉज आई एम अ डांसर। कौन सा फॉर्म सीख रही हो? मेरे को 10 years हो गए। आई एम अ कथक डांसर बट आई डू बॉलीवुड एज वेल। वाओ, या ओके। तो डांसर बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स रहे हैं पहले भी और आज भी। हु इज योर फेवरेट कोरियोग्राफर? सी, जो मुझे बेसिकली जिनके एक्सप्रेशन से मैं इंस्पायर होती हूँ एंड एवरीबॉडी नोज उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, दी माधुरी दीक्षित। शी इज नॉट अ कोरियोग्राफर ना, शी इज एन एक्ट्रेस। या शी इज एन एक्ट्रेस बट शी इज अ डांसर एज वेल। सो मुझे बहुत पसंद है वो एंड डांसिंग इज व्हाट आई लव, प्लस आई लव टू स्पीक एज वेल। दिस इज व्हाई आई एम हियर फॉर यू ऑल। आई एम सो हैप्पी। और अब आप अपना परिचय दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष शर्मा एंड आई एम करंटली पर्सुइंग बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और मुझे ड्रॉइंग करना फिजिक्स हम सबकी भौवें तन गई। यू नो साइंस सुन के ना एक अजीब सी धड़कनें तेज हो जाती है। ओ ना, बहुत पढ़ने में अच्छी होगी, नर्ड होगी। इज इट सो आशी? नो, नॉट रियली। गुड, ओके। मुझे ड्राइंग करना पसंद है और पेंट करना पसंद है। नेहा की तरह ड्राइंग करना पसंद है। तो क्या बनाती हो ड्राइंग्स में? मैं लैंडस्केप्स बनाती हूँ। बेसिकली मेरी ड्राइंग्स ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, सो मैं इंक पेंटिंग करती हूँ बेसिकली। ओके, और आपका परिचय? मेरा नाम श्रिया है और मैं फिलॉसफी ऑनर्स कर रही हूँ। फिलॉसफी, ये भी जब आप सुनते हैं ना फिलॉसफी तो लगता है वो बहुत सोचने वाला इंसान होगा। हर चीज में फिलॉसफी, यू नो लाइफ की फिलॉसफी, हम अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने, यू नो शी इज वेरी फिलॉसफिकल, ऐसा कुछ होता है कभी किसी ने कहा? मम्मी आज कल बोल रही है जब से तू फिलॉसफी करने लगी है हर चीज में पैराग्राफ्स पैराग्राफ। ओके, और अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूँ तो मुझे सब कुछ पसंद है। सब कुछ में क्या क्या है, थोड़ा सा कुछ बता। मैं प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। स्ट्रीमिंग, ओके। डूइंग लाइव सिंगिंग बिकॉज मैंने सीखा हुआ है म्यूजिक। बहुत अच्छा, फिर तो गाना सुनने को मिलेगा हमें, है ना? और इसके अलावा थिएटर में भी हूँ, पेंटिंग भी, मतलब सब थोड़ा थोड़ा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट यू वांट टू परस्यू एज मास्टर्स इन व्हाट? मैम सोच रही हूँ, धीरे धीरे पता चल जाएगा। बट अभी जैसे मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ, तो उसको देख के थोड़ी खुशी हुई कि अगर अपने दम पे कुछ स्टार्ट किया जाए और हम कहीं पहुंच जाएं तो थोड़ी सी खुशी होती है। बिल्कुल, यही बात हम करने जा रहे हैं, आत्मनिर्भर। तो हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। आपकी पसंद का कोई गाना बताओ। आंखों में तेरी, अजब सी अदा है। क्या बात है, चलो सुनते हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं,
आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ, अब इनमें आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एयर नेक्स्ट, मैं हूँ आपके साथ राजश्री। आप सब एक्साइटेड तो हो ना? यस, बहुत। ग्रेट ग्रेट। तो युवा जो होते हैं वो समाज और राष्ट्र में परिवर्तन लाने की काबिलियत रखते हैं, है ना, और वो ताकत उनमें होती है। आप सब ऐसा मानते हैं? मानते हैं कि नहीं? तो चलो हम इसी के तहत आज जो हम बात करेंगे वो होगा आत्मनिर्भर भारत पे। और अभी अभी हमें श्रेया ने बताया भी था कि किस तरह से वो आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में है, जो हमारा आज का विषय है। सबसे पहले कोई हमें बता सकता है आप में से कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 12th May 2020 हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने की थी। क्या बात है गौरी, आई एम सो इम्प्रेस्ड। नरेंद्र मोदी जी ने किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा। इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू करने में ये योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हम आप लोगों के व्यूज जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं नेहा आपसे जानना चाहूंगी, आप साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं, तो आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ इस आत्मनिर्भर भारत के बारे में जिसमें हम आज इस पे बातचीत कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है एकदम, और इंडिया को काफी लॉस हुआ है, लोगों की जॉब चली गई है, बहुत नुकसान हो चुका है। और अगर ऐसे में हम आत्मनिर्भर ना हुए और हमने और चीजें दूसरे देशों से खरीदनी चालू रखी तो ये तो और भी ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो बचा कुछ पैसा है अगर वो भी कहीं और चला गया तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा हमारे देश के लिए। और ऐसी गंभीर परिस्थिति में कोरोना जैसे काल में आत्मनिर्भर भारत की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना के बाद हम और ज्यादा महसूस किए इस बात को कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। आशी आप क्या कहेंगी इस बारे में, आप क्या सोचती हैं? मैं जो मैं सोचती हूँ मैम वो ये है कि जब हमारे देश में नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और एजुकेशन सेक्टर में बढ़त होगी, तभी हमारे देश की इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगा। COVID-19 में हमारे देश ने आत्मनिर्भर होने का एक प्रूफ दिया, हमने खुद की COVID-19 की वैक्सीन के अगेंस्ट हमने काम किया। इतना ही नहीं, हमने एक दूसरे के साथ मिलकर समस्या का सामना किया। इसी तरह हमें चाहिए कि हम हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएं, और केवल ये नहीं कि हमारी सरकार और हायर अथॉरिटीज ही इस बारे में काम करें, बल्कि हर एक नागरिक को अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लोकल बिजनेस को ग्रो करें और उसमें हेल्प करें। सो मे द स्ट्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत बी फुलफिल्ड, विल मेक अस सेल्फ रिलायंट ऑफ कोर्स। और गौरी आप क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि अगर हम आत्मनिर्भरता को खुद के लिए पहले अडॉप्ट करना स्टार्ट करें तो हम अपने भारत को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बिल्कुल, हमने ये चीज़ देखी है कि जब से लोगों ने आत्मनिर्भर शब्द को अडॉप्ट करना स्टार्ट करा है, उसका इस्तेमाल अपनी रोजगार की ज़िंदगी में शुरू करा है, तो बहुत नई नई पॉलिसीज इनैक्ट करनी गवर्नमेंट में स्टार्ट करी है, और उससे हमारे जितने भी क्राइसिस होते थे, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे लोगों की एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, वो हम धीरे धीरे ओवरकम कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कितनी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हमारे भारत में
बहुत ज़रूरत है लोगों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने की नहीं, खुद पे डिपेंडेंट होने की. मोदी जी ने ये भी एक चीज़ बोली थी कि हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे लोकल की जगह हमें ग्लोबल करना है, उसे हमें पूरे देश में जाना है और किसी देश से ना खरीद के अपने देश में ही उसको बनाना है. मैं एक टीनेजर हूँ, मुझे भी पता है कि आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है. कोविड महामारी के कारण हम लोगों के कॉलेजेस नहीं खुले और हम लोगों को घर पे बैठना पड़ा, जिससे बहुत स्टूडेंट्स और बहुत बच्चों ने यह रियलाइज़ करा कि खुद आत्मनिर्भर हो के हमें कहीं इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, कहीं कुछ करना चाहिए, जिससे हमें भी बढ़ावा मिले और हमारे भारत को भी आत्मनिर्भरता का एक रियल मौका मिले. बिल्कुल. अब मैं जानना चाहूँगी श्रेया आपसे कि आप क्या सोचती हैं इसके बारे में. मुझे पता है इसने बहुत सारी बातें बता दी हैं गौरी ने, लेकिन फिर भी आप एक फिलोसोफर हैं, तो आपकी फिलोसफी क्या कहती है यहाँ पे? मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, बिल्कुल, जैसे ही जैसे हम बच्चे हैं, हम घर पे अभी पहले जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेट में होते हैं कि वो हमारे लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. बट जैसे कि कोरोना महामारी हिंदुस्तान में आई, इस सिचुएशन में पूरे विश्व से हम जैसे कुछ चीज़ों के लिए विश्व पर डिपेंडेंट होते थे, तो उस सिचुएशन में हमारे पास वो चीज़ें आना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उधर ही अगर उन चीज़ों की तंगी हो तो हमारे पास कैसे आएंगी? कैसे आएगी? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अगर हम यही चीज़ों को लोकली बनाएं और उनको लोकली उस तरह से प्रोवाइड करा जाए तो हमें किसी और पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और इससे ना कि निर्भरता का जो पॉइंट है वो उठेगा, पर हमारे हिंदुस्तान में रहते हुए लोगों का स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा और कंट्री धीरे धीरे और डेवलप होती जाएगी. बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस योजना का, जो है आत्मनिर्भर भारत का, वो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जिससे कि देश की इकोनॉमी बेहतर हो सके. और बेहतर कैसी हो सकती है? जब इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे. और जैसा आपने कहा अभी कि वी हैव टू बी वोकल अबाउट लोकल, जो हमारे यहाँ जो चीज़ निर्मित हो रही है उसके बारे में हम ज़्यादा उसकी चर्चा करें, उसको बढ़ावा दें, चाहे वो हमारे आर्टिसन क्यों ना हो. अभी आपने बताया कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, तो जो हमारे लोकल्स जो दूर दराज गाँव में जहाँ में जैसे बनारस की साड़ियाँ हैं, जो आर्टिसन होते हैं, उनकी चीज़ों को हम विश्व पटल पर लेकर आएं. एक तो हमारी अपनी मार्केटिंग होगी, आयात जो है वो कम होगा, जो हम बाहर से चीज़ें लाते हैं या ये करते हैं वो भी कम होगा, और हमारी चीज़ें जो हैं वो देश के बाहर जाएंगी. चलिए हम यहाँ पर फिर एक गाना सुनना चाहेंगे, तो क्या हम लोग सब मिलकर गाएं? कौन सा गाना सब मिलकर गा सकते हैं, जल्दी बताओ. क्या हम कोई भी बॉलीवुड गाना? ओह यस, आप बॉलीवुड गाने पे डांस भी करती हैं, यू कैन डांस आल्सो. तो चलो कौन सा गाना है जल्दी बताओ. मिलिया मिलिया मुझे. चलो बिल्कुल गाते. कहते हैं हर एक दिल में छुपा कहीं प्यार है, बस पहचाने जो कोई, ना जाने किस पल कहाँ कैसे खोता करार है, नैना लग जाए जो कहीं, नजदीकियों का पता है दूरियां. कहते हैं हर एक दिल में छुपा कहीं प्यार है, बस पहचाने जो कोई, ना जाने किस पर कहां कैसे खोता करार है, नैना लगे जाए. पर मैं
सही हाँ। दिल को किसी पे है यकीन FM Rainbow पर आप सुन रहे हैं Air Next, Your Vision, Your Voice. Welcome back. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम Air Next FM Rainbow 102.6 MHz पर मेरे यानी राजश्री के साथ और हमारे साथ हैं गौरी मेहरा, श्रिया, आशीष शर्मा और नेहा रस्तोगी और हम बातें कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में. आशी, आप ने बताया कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत हो सकता है. आप लोग सब युवा हैं और उनके जो पांच स्तंभों के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी उसमें एक है उत्साहशील आबादी, पता है, जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी ऊर्जा का स्रोत है. ये स्रोत आप लोग हैं. तो एक युवा होने के नाते, यू नो, व्हेन यू बिकम इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर जब आप खुद हो जाओगे, तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे समाज के उत्थान के लिए, और जब समाज का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करोगे? वेल, जैसे ही हम, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, हम लोग यूथ हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं और जैसे ही हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हो, अपनी फिजिक्स की पढ़ाई कर रही हो. हाँ जी, तो मैं फिजिक्स की पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे विज्ञान का क्षेत्र है पूरा, उसमें मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूंगी. जैसे आगे जाकर मैं अगर डिसाइड करती हूँ कि मैं DRDO में सर्व करना चाहती हूँ या इसरो में सर्व करना चाहती हूँ, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को एक आत्मनिर्भरता पर, यू नो, और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ चीजें इम्प्रूव होंगी. और मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सके, इसके लिए हम बातें करें इस बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन और पॉवर्टी जैसे मेजर चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ पर. सो हमें इन सबको इम्प्रूव करना चाहिए, इन सबको, लोगों को जागरूक करना चाहिए इस बारे में, और तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और आत्मनिर्भर बन पाएगा. बिल्कुल, उनके पांच स्तंभों में एक प्रणाली सिस्टम है जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित होगा और विज्ञान उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. कहते हैं कि युवा ही देश के कर्णधार हैं. आप सब लोग एक ऐसी ऐसी जगहों पर आसीन होंगे कल जब आप आत्मनिर्भर हो जाओगे. आप सबकी आंखों में एक सपना होगा कि कल मैं अपने आप को वहां देखती हूँ, है ना. लेकिन उस जगह पे आने के बाद सिर्फ हमारा जो योगदान होगा वो सिर्फ परिवार के प्रति नहीं, लेकिन उसके बाद पड़ोसी, फिर समाज, फिर देश. तो आप क्या कहती हैं इसके बारे में, नेहा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे तो हम लोगों को अगर किसी की हेल्प ना कर पाए तो कम से कम ये प्रेरणा तो देंगे कि हमारे लिए आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है. और जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो देश के प्रति होना चाहिए. हम सिर्फ एक राज्य के नागरिक नहीं है, सिर्फ एक फैमिली में मेंबर नहीं है, हमारे लिए देश के लिए कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है. देश सर्वोपरि है हमारे लिए. हाँ जी, हम सब जानते हैं कि जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वही विकास का पर्याय है, वही बदलाव लाएगा. और जब युवा शक्ति जो हमारे सामने इस वक्त चार बैठी है सजग हो जाए, आप सजग हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी. तो हम आप सबसे ये जानना चाहेंगे बारी बारी करके कि आप लोग कैसे इनिशिएटिव लोगे एज अ यूथ ऑफ द नेशन. सबसे पहले कौन बोलेगा? चलो, मैं एक एनिमल लवर हूँ और मुझे पेट्स बहुत पसंद है, मुझे स्ट्रीट डॉग्स बहुत पसंद है. और मैं आजकल इंटरनेट पे हर टाइम ये चीज़ पढ़ती हूँ कि उन्होंने डॉग्स को रखा हुआ है और उन्हें वो मारते हैं, उन्हें वो रात को छोड़ देते हैं, और मुझे वो बहुत बुरा लगता है. मेरे दिल को चोट पहुँचती है देख के कि वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं एनिमल्स को.
मैं अभी भी जो एक इनिशिएटिव लेती हूँ अपने लिए वो है, मैं रोज़ सुबह जब भी मैं घर से निकल रही होती हूँ मेरे घर के नीचे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं मैं उन्हें सबको दूध पिलाती हूँ, उन्हें ब्रेड देती हूँ, एंड जाते वक्त भी मेरे को जितने भी पेट्स जितने भी एनिमल्स दिखते हैं मैं उन्हें फीड करती हूँ, मैं उन्हें प्यार करती हूँ, जिससे उन्हें ये ना लगे कि उनका कोई नहीं है. अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैंने एक NGO भी ज्वाइन किया था जो एनिमल से रिलेटेड है, एंड मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि जितना हम ह्यूमंस की तरफ जितना हम अपने और लोगों की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही ज़रूरी एनिमल्स की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करना ही है, चाहे वो सिर्फ डॉग्स या कैट्स ना हो, वो काउस भी हो, वो हॉर्सेस भी हो, वो कोई भी एनिमल हो, क्योंकि उनको भी प्यार की बहुत ज़रूरत है. तो मुझे लगता है कि एनिमल कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एट द एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स और जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो हमें बहुत हेल्प करता है. बिल्कुल सही कहा गौरी, क्योंकि पर्यावरण को भी संतुलित रखने के लिए इन जानवरों का इनका बहुत अहम भूमिका इनकी होती है. स्वस्थ सुंदर और समृद्ध देश में इनका एक अपना योगदान होता है. सो नाउ आशी, कैन आई आस्क यू व्हाट डू यू थिंक? Then I would say that I would promote vocal for local over here. क्या बात है? स्वदेशी चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करें आप. जैसे हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, होली होती है, दिवाली होती है, हम किसी पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स को ना यूज कर जो हमारी लोकल आर्टिसंस हैं उनके प्रोडक्ट्स को यूज करें, तो वो हमारा एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा आत्मनिर्भर भारत में. क्योंकि हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो हम फॉरेन से चीजें ले रहे हैं इम्पोर्टेड है जो वो ज्यादा अच्छी हो, जबकि जो हमारी कंट्री में बन रही है वो एक तरह से प्राकृतिक जो बिल्कुल है और लोअर कॉस्ट में होगी और ज्यादा अच्छी होगी और कितने लोगों को उससे रोजगार मिलेगा. सबसे जरूरी जो बात है वो ये है. और अब मैं श्रेया आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी भी चीज की बात करें तो अगर हम लोग सब एकजुट ना हो, जैसे कि एक संस्कृत का श्लोक भी है, संग छद्वम संवदत्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते समानि वह कुर्ति समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहस्ति. भाई पहले तो इसके लिए ताली बजाओ. जैसे कि ये श्लोक है इसका सिर्फ ये अर्थ है, और ये ऋग्वेदा का श्लोक है, इसका ये अर्थ है कि अगर हम साथ चलें, एक आवाज में बोले, हमारे सोचने का तरीका एक जैसा हो और हम एक चीज पे सारे अग्री कर रहे हो मिलके और हम एक गोल की तरफ जाएं, तो ऐसी कौन सी चीजें जो हम नहीं कर सकते एक देश की तरह. बहुत खूबसूरत बात कही आपने श्रेया, और एकता में ताकत तो है ही, बिल्कुल एकता में ताकत है. नेहा आप क्या कहेंगी? मेरा कहना है कि जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी सेहत भी अच्छी हो. बिल्कुल स्वस्थ भारत, बिल्कुल जब स्वस्थ रहेंगे जब तो हम काम कर पाएंगे. और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी डेवलपमेंट के प्रति तब हो जाए कि प्रौद्योगिकी के चलते चलते सारी चीजें हमने देश में बना दी, कभी हमें सांस लेने के लिए सामान जो चाहिए वो हमें विदेश से लेना पड़ जाए. ऐसा ना हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. संतुलन बनाए रखना ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी होती है एक नागरिक होने के नाते, और इस बात का तो ख्याल रखा ही जाएगा. और जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बाकी जैसे जब हम कहीं से पेड़ उखाड़ते हैं तो उसकी जगह पे आसपास में बहुत पेड़ और लगाए जाते हैं, तो पर्यावरण का ख्याल रखना हमारी बुनियादी जरूरत है जहां हम स्वस्थ रह सकें, और उसके लिए तो पर्यावरण है ही. मैं आप सबको आपके भविष्य के लिए और आत्मनिर्भर भारत को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसकी डोर आप सब युवा के हाथों में, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो हमारा देश जो है वो युवा प्रधान देश है, युवाओं का देश है, तो आप सब आगे आएंगे और जो भारत है आत्मनिर्भर है इसको और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे. आप कुछ कहना चाहती हैं श्रेया? प्लीज बोले. पहले गाना गा सकते चलो गाओ ना. जिद्दी रास्तों से पाओ ये आज भी, झगड़ना तो भूल नहीं, हारी है कई दफा तो क्या आज भी, हम लड़ना तो भूले नहीं आज भी, दिल बाकी है बस यही काफी है. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे यकीन है युवा पीढ़ी समाज और राष्ट्र में परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है, और ये शक्ति आप सब बरकरार रखेंगे. थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए.
सपने तो नहीं डूबते, आंधी में तूफान में तारे तो नहीं टूटते, दिल पे जो खराशे हैं तुझको ये तराशे हैं, कोई तो कहानी है जो वक्त को सुनानी है, जिंदा हूँ अभी बाकी हूँ अभी, देखो इस राह में थोड़ी सी रोशनी है अभी, जिंदा हूँ अभी बाकी हूँ अभी, मेरी हर सांस में थोड़ी सी जिंदगी है अभी, झगड़ना तो भूले नहीं, हारे हैं कई दफा तो क्या आज भी हम, लड़ना तो भूले नहीं, जिद्दी रास्तों से पाओ ये आज भी, झगड़ना तो भूले नहीं, हारे हैं कई दफा तो क्या आज भी हम, लड़ना तो भूले नहीं, आज भी दिल बागी है बस यही काफी है, जिंदा हूँ अभी बाकी हूँ अभी, देखो इस राह में थोड़ी सी रोशनी, air next.